ये देखिए आपका मेन डिजिटल प्रॉप्टर है, इसकी शुरुआत होगी। ये सॉफ्टवेयर ऑन हो गया आपका। ये ऑन होने के बाद आपका पासवर्ड मांगेगा, तो इसमें ये पासवर्ड हम डालते हैं और ऑप्ट इस करने से आपको ऑन होकर इंटरफेस इस तरीके से आएगा आपको। देन आपकी ये इसमें लेंस इसके लिए हैं, सिंगल आई का लेना है आपको, तो ये एक आई आपकी क्लोज हो जाएगी और दूसरी आपकी यहाँ से चालू रहेगी। ये पिन होल इसमें फिल्टर्स वगैरह सब अवेलेबल है। यहाँ से हम इसको वापस से, दोनों आई हमारी ऑन हो चुकी हैं और अब यहाँ से हम इसमें लेंस में नंबर आप देखेंगे, यहाँ से स्पेरिकल नंबर में ये वहाँ चेंज होता रहेगा ये आपका फॉर आफ्टर में। और ये यहाँ से आप प्लस में नंबर है और ये आप मैनुअली यहाँ से इसे मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। ये आप देखिए फॉर आफ्टर में, ये देखिए नंबर, ये आपको आप देखिए इसमें नंबर आपका चेंज होता हुआ आपको दिख रहा होगा वीडियो में। इस तरीके से यहाँ से ऑपरेट होगा और ये यहाँ से ये आपका मैनुअल कनेक्टर हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा यहाँ से। ये प्रिंटिंग के लिए आपकी जो भी आपकी रीडिंग आएगी ऑटोरेफ से होकर, तो वो आप यहाँ से इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। ये यहाँ प्रेस करेंगे आप, ये प्रिंटर आपका जो है ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे ये प्रिंटिंग का जो बटन देंगे तो ये आपकी यहाँ प्रिंट आपका निकल जाएगा। ये बटन है इसको निकालने के लिए, आपको यहाँ से आप ये प्रिंट निकाल सकते हैं इसका, इस तरीके से ये प्रिंट निकल जाएगा। और प्रोजेक्टर चार्ट के लिए आपको यहाँ से ये क्लिक करेंगे तो जो आपका प्रोजेक्टर चार्ट होगा वो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। कैंसिल करेंगे, बाहर आ जाएंगे। और इसको आप लेंसोमीटर से और भी चीज़ से ऑटोरेफ से भी कनेक्ट कर सकते हैं।